तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में। दोस्तों आज जो कि हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं कार फॉर ट्रेड। दोस्तों ये वाला गेम का जो कि एक अपडेट भी आ चुका है और उसके बाद इसका गेम का नाम ही चेंज कर दिया है और नाम जो कि रखा है कार ट्रेडर। तो गाइस आप देख सकते हो इस गेम में जो कि हम भाई बहुत अमीर हो चुके हैं, क्योंकि मैंने भाई बहुत महंगे महंगे गाड़ियाँ खरीद के और उनको बेचा है, ऑफलाइन ग्राइंड किया है गाइस। और तभी राइट साइड आपको कॉर्नर पे दिख रहा होगा डॉलर, और एक गाड़ी मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही ख़रीदा है। और भाई सिर्फ अपन अभी महंगे महंगे गाड़ी ख़रीदता है, देखते हैं इसके गाड़ी का ना कितना प्राइस है। तो वैसे देख सकते हो बहुत अच्छा प्राइस है, लेकिन अपन इतना भी महंगे नहीं खरीदते। और गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप मेरे गैराज में चलिए पहले भाई। आपको गैराज में लेके जाने के बाद आपको दिखाता हूँ ये गैराज क्या किया मैंने भाई। ऑफ स्ट्रीम मैंने बहुत ग्राइंड किया है इस गेम में और भाई मैंने बहुत कुछ बना दिया है इसमें, देखना आपको दिखाऊंगा। तो वैसे आज के वाले इस वीडियो में हम जो कि और भी महंगे महंगे गाड़ियाँ ख़रीदेंगे, क्योंकि अपने पास अभी पैसा हो चुका है और अपन सिर्फ अभी भाई बड़े बड़े गाड़ियाँ ख़रीदेंगे और उनको महंगे दाम में बेचेंगे, यही हमारा काम है। तो इस गाड़ी को जो कि डेंट वगैरह लग चुका है क्योंकि हमने ख़रीदा है इसको ठीक ठाक प्राइस में, तो इसको जो कि हम पहले रिपेयर करवाएंगे, उसके बाद जो कि अपने गैराज में लेके जाएंगे। और गाइस आपको एक नया सरप्राइज़ मिलेगा गैराज में जाके, आप शॉक हो जाओगे। तो पहले एक काम करते हैं, इस गैराज में गाड़ी को सही करवा लेते हैं और उसके बाद चलते हैं। तो यहाँ पे जो किया मैं गाड़ी को पार्क कर दिया हूँ और इसको बोलता हूँ भाई ठीक कर दे। तो गाइस गाड़ी जो कि जब तक ठीक कर रहे हैं हम गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन दिख तो नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन गेम का मैकेनिज्म ही कुछ ऐसा है। तो वैसे हमारा गाड़ी जो कि रिपेयर हो चुका है, आप ले चलते हो आपको मेरे गैराज में। तो भाई गैराज देख के आप शौक हो जाओगे, चलो चलते हैं गैराज में। तो गाइस मैं जो कि अपने गैराज में आ चुका हूँ और मैं आपको पीछे घूम के अभी दिखाता हूँ गैराज अपना। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारा गैराज जो कि है भाई कितना बड़ा हो चुका है। हमने जो कि इसको $50,000 में ख़रीदा है और ये गैराज अंदर जाके देख सकते हो भाई, ये पे गाड़ी रखने का क्या स्लॉट है गाइस, देख सकते हो। और ऊपर भी रास्ता है, लेकिन ऊपर जो कि ऐसे टहलने के लिए दिया गया है, अभी ऊपर अपन गाड़ी नहीं रख सकते। लेकिन भाई अपन ने ये भाई बहुत ऑफलाइन ग्राइंड करने के बाद ये पूरा गैराज हमने बनाया है। तो मेरा प्लान है भाई इस गैराज को पूरे गाड़ी से भर देना और कस्टमर ही कस्टमर आएंगे उसके बाद भाई पैसे कमाना है। तो अभी जो गाड़ी मैं ले आया हूँ इसको पहले भाई सेल में लगाते हैं, भाई आप देख सकते हो। अभी मैं दूसरा इसमें भी ख़रीद सकता हूँ, लेकिन क्या है ना अभी अपना इतना नीड नहीं है, पहले अपन भाई गाड़ी बेचेंगे। तो इसको मैंने $50,000 में जो कि ख़रीदा हूँ, तो इसको जो कि सेल में लगाते हैं, इसका जो कि प्राइस 1 लाख जाएगा। 1 लाख तो नहीं जाएगा, लेकिन 1 लाख का अपन प्राइस रखेंगे और कस्टमर का वेट करते गाइस। और जब तक कस्टमर आए ना आए तो भाई तब तक वो आ ही गया है, अभी क्या ही कर सकते हैं, इसको देखते हैं कितना प्राइस देता है भाई। ये गाड़ियाँ जो कि मैं सब रेयर ले रहा हूँ, सब महंगी गाड़ियाँ जो कि मैं लूँगा, सस्ते वस्ते काम अभी अपन छोड़ दिए। तो यार ये तो बहुत कम दे रहा है, शायद मैं गाड़ी का प्राइस थोड़ा ज़्यादा हाई कर दिया। तो वैसे देख सकते हो अपना गैराज, और पीछे से भी इतना सही तो देखा था, मेरे को सही लग रहा था, मतलब कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन जगह बहुत मस्त है भाई। यहाँ पे अपन ने बहुत मेहनत किया है और उसके बाद ही जो कि यहाँ पे इतना कुछ कर पाए हैं। ऑफलाइन में भाई बहुत ग्राइंड किया है मैंने। तो एक और कस्टमर जो कि आ चुकी है यहाँ पे, तो देखते हैं ये कितना प्राइस बताता है। तो ये जो कि है भाई बहुत कम प्राइस जो कि दे रहा है, तो अपन को जो कि है सोच समझ कर गाड़ी बेचना है, लॉस में तो अपन जाएंगे ही नहीं। तो भाई ये ओवर प्राइस है, मेरे को शायद प्राइस को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो गाइस मैंने जो कि प्राइस को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, अब होप कर तो कस्टमर जो कि सही दाम लगा लेंगे। तो मॉडिफाई करने के तुरंत बाद एक कस्टमर जो कि अब आ चुकी है, देखते हैं इससे बात करते हैं। और एक कितने में गाड़ी लेगी भाई, ये मेरे को नहीं लगता ये गाड़ी ज़्यादा तो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ इसको 55 में बेच देते हैं, क्योंकि मेरे को भाई, तो रुक जाओ इसको पहले, इसको भी देख लेते हैं कितना प्राइस देता है। ओ भाई इसको मैं बेच दूंगा इतने में, अगर ये लेगा तो ले लो। ओ भाई इसने ले भी लिया, तो
तो गाइस टोटल हमारे पास जो कि कितने हो चुके हैं राइट में देख सकते हो। अभी जो कि हम पूरे हाई मतलब गाड़ी खरीदेंगे तो रेजिडेंटल एरिया में जो कि मैंने देख लिया है, तो अभी वेट करते हैं रात होने का और उसके बाद ही जो कि अपन जाएंगे वहाँ पे, तभी जो कि अपन अपन को अच्छा अच्छा मतलब गाड़ी जो कि मिलेगा। तो गाइस यहाँ तो भाई रात हो ही नहीं रही, अभी भी बहुत टाइम है। तो मैं सोच रहा हूँ ये पोर्ट जो है, तो यहाँ पे एक मतलब मिस्ट्री बॉक्स टाइप कुछ मिलता है, तो यहाँ पे जो कि एक मतलब रेयर गाड़ी मेरे को मिल सकता है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। और इसमें देख सकते हो कोई चांस देख सकते हो, मतलब रेज मतलब ज़्यादा पैसे वाले गाड़ी भी मिल सकता है लेकिन कम वाले भी मिल सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार बाय करके देख लेते हैं क्या होता है। तो गाइस हमने जो कि बाय तो कर दिया है, पर अब पता नहीं है भाई भाई क्या हुआ, ये गाड़ी तो अभी तक नहीं आया है और गाड़ी वहाँ पे आ चुका है, देखते हैं। अरे यार ये कौन सा गाड़ी है भाई, सही गाड़ी है दिया नहीं यार, मेरे 50,000 वेस्ट तो नहीं हो गए। गाड़ी कौन सा है, देखने में तो भाई बहुत घटिया गाड़ी लग रहा है। एक और बार ट्राई करेगा गाड़ी गाइस, तो गाइस एक और बार ट्राई करते हैं। तो एक और बार मैंने भाई कर दिया है, अब होप करते हैं इस बार कोई अच्छा गाड़ी मिलेगा। भाई मैं इस बार 2 बार ही लगा चुका हूँ, एक भी अच्छा गाड़ी मेरे को नहीं मिला, तो शायद इस बार। भाई ये कौन सा गाड़ी है भाई, इतने घटिया गाड़ी आ रहे यार। भाई मैं तो यार फोकट में पैसे लगाए 50,000 के ऊपर, मेरे को नहीं लगता ये गाड़ी जो कि बिकेंगे किसी भी एंगल से, तो मैं अभी इसको लेके जाना पड़ेगा यार, दिमाग ख़राब हो गया यार मेरा तो, नुकसान हो गया बहुत। तो गाइस मैंने जो कि एक गाड़ी को यहाँ पे रिपेयर करके खड़ा कर दिया है और मेरे को नहीं लगता ये 50,000 किसी भी तरीके से बिकेगा, तो भाई देखते हैं भाई इसको थोड़ा 60,000 प्राइस रखते हैं। भाई ये कौन सा गाड़ी है भाई, ये तो बहुत घटिया गाड़ी है भाई, ये कैसे बिकेगा भाई, नुकसान हो गया मेरा तो यार, मेरे को वहाँ पे जाना ही नहीं था भाई, मैं लालच में आ गया था थोड़ा कि मेरे को वहाँ पे जाने के बाद कुछ डिस्काउंट में गाड़ी मिलेगा, पर नहीं। तो गाइस देख सकते हो भाई जो मैंने कहा वही हुआ, ये गाड़ी का मेरे को 15,000 रुपये लोग बोल रहे हैं, बताओ भाई मैंने क्यों ही लिया इस गाड़ी को, मेरे को बिल्कुल नहीं पता। और मैं वहाँ पे भाई कभी जाऊँगा भी नहीं दोबारा कि भाई रेयर गाड़ी मिल जाएगी 50,000 के चक्कर में। भाई पोर्ट भाई बहुत बेकार है, मेरे पास 1.5 लाख था और 1.5 लाख में से मेरे पास अभी पैसे बचे ही नहीं है भाई, दिन कर लेते हैं सुबह कर लेते हैं। तो भाई सुबह हो चुका है, तो इस गाड़ी को भी जो कि मैं सेल पे लगा देता हूँ, भाई मैं इसको कितना ही बेचूँ भाई, इस कौन सा गाड़ी है भाई, क्या ही मॉडल है भाई, जो आज तक मैंने नहीं देखा। 30,000 में ही बेच देता हूँ, इसको भी 30,000 में ही बेच देता हूँ, क्या ही बोलूँ, 30,000 तक जाएगा ही नहीं ये गाड़ी यार, भाई क्या ही बोलूँ मैं, बहुत यार नुकसान हो गया मेरे को यार, वो पोर्ट में ट्राई करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि भाई उसमें कोई भी गाड़ी मेरे को अच्छा नहीं मिला। एक कस्टमर आया और इससे पूछते कितना रेट मिलता है, ओ भाई ये तो एक बार में बाय करने के लग गया, तो शायद मेरे को लगता है गाइस ये थोड़ा मतलब अच्छा गाड़ी है, इसका प्राइस हमें थोड़ा ज़्यादा डालना था, तो अब देखते हैं ये कितने कितने में देता है। ओ भाई इसको प्राइस मेरे को थोड़ा सही करना पड़ेगा, क्योंकि ये भाई बहुत बिकने का बहुत अच्छा चांस है, शायद इसको मैं इतने में बेचता हूँ, अगर ये इतने में ख़रीदेगा तो मैं शायद इसको बेच सकता हूँ, देखते हैं। एक कस्टमर आया इस गाड़ी के लिए, तो इसका प्राइस देखते हैं। तो भाई ये बहुत कम दे रहा है यार, ये गाड़ी मेरे को ख़रीदना ही नहीं था, ये गाड़ी फिर भी भाई सही लग रहा है मेरे को, क्योंकि दोनों कस्टमर आए, दोनों बाय करने के लिए रेडी थे, अब पता नहीं देखते हैं। तो गाइस मेरे को नहीं लगता ये गाड़ी ज़्यादा जाएगा, तो मैं इसको 15,000 में बेच देता हूँ, भाई मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए भाई, इतने में भी नहीं ले रहा है। तो इस गाड़ी का एक कस्टमर आए, इनसे पूछ लेते हैं। ओ भाई ये तो इतने में लोग खरीदने वाले हैं, ओ भाई तो भाई बहुत महंगा प्राइस दे रहा है ये तो इस गाड़ी को, गाइस मेरे को और भी प्राइस बढ़ाना है, क्योंकि भाई ये लोग राजी हो जा रहे हैं। मैं इस बार 1 लाख कर देता हूँ इस गाड़ी का प्राइस, उसके बाद देखते।
खरीदते कैसे कि नहीं। भाई मेरे को लगता है गाड़ी का बहुत अच्छा प्राइस है भाई, मैंने तो इस गाड़ी को हल्के में लिया था यार, ये तो लोग आते ही पूरे दाम में खरीदने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। तो गाइस मैं जो कि थोड़ा घूमने गया था और तब तक कस्टमर यहाँ पे आ चुका है, तो अब देखते हैं ये कितना प्राइस बोलती है, पहले इनसे बात कर लेते हैं। ओके तो ये सही प्राइस दे रहा है, तो इनसे बात भी कर लेते हैं पहले। ये भी सही प्राइस दे रहा है भाई, ये गाड़ी तो भाई बहुत बढ़िया है, मेरे को ये गाड़ी भाई सही मिला है भाई। मैं वहाँ पे जा तो सकता हूँ पर ऐसे घटिया गाड़ी मिलेगा कभी कभी? ओ भाई इससे बार्गेन करते हैं थोड़ा, ये तो भाई जितना मांग रहे उतना ही दे रहे, तो इनसे ही बेच देते गाड़ी थोड़ा और ज़्यादा करके इनको 999, और उसके बाद हीरो इतना करते देखते देते। ओ भाई हमने जो कि इसको पूरा प्रॉफिट में बेच दिया है, और ये गाड़ी भी जो कि नहीं बिका है भाई, मेरे को एक गाड़ी जो कि अच्छा मिला है। तो गाइस हमने जो कि है मतलब आज इतना प्रॉफिट नहीं कर पाए, लेकिन आपको जो कि जो दिखाना था मेरे को, हमने जो कि अपना मतलब रिफाइंड कार्ड्स को जो किया पूरा मॉडिफाई करके एक नया शोरूम बना दिया है बड़ा सा। तो कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता